administration murdabad 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 gmc administration murdabad 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 students ke sath insaaf karo insaaf karo insaaf karo we want justice we want online exams we want online exams chhatron ke sath insaaf karo insaaf karo insaaf karo agar hame online padhai hui hai to hamare online hi exams hone chahiye अगर हमारी यूनियन टेरिटरी एक है जम्मू और कश्मीर अगर कश्मीर में BUMS के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो हमारे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए अगर आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आयुर्वेद और यूनानी दोनों आते हैं यूनानी के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो आयुर्वेद के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो रहे हैं अगर हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों ऑनलाइन लिए गए थे तो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए क्यों डिनाई किया जा रहा है हम यही चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों और जल्दी से जल्दी हमारे फेवर के अंदर ही फैसला हो नमस्कार सर मेरा नाम महेश बख्शी लॉ स्टूडेंट आज बड़ी दुखद बात है कि अपने ही हक के लिए अपने ही एग्जामिनेशन के लिए ताकि हम पढ़कर अगले सेशन में जाएं उसके लिए हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर आज धरना देना पड़ रहा है आपके समक्ष एक मसला रखना चाहूँगा पिछले डेढ़ हफ्ते से जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वार पर प्रिंसिपल मैम से फ़ोन पर बात कर पर्सनली मिलकर एक दो बच्चों ने जाकर भी बात की लेकिन दर बदर इधर से उधर टलम टोल किया जा रहा है मसला बड़ा सिंपल और सीधा है जब आयुष मिनिस्ट्री के अंदर सेम गाइडलाइंस को देखकर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपने बच्चों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया है क्योंकि उनको मालूम है कि 2G के ऊपर इन बच्चों का पूरा साल ज़ाया हुआ है कोरोना महामारी के दौरान बच्चे घरों पर बैठे हैं उन्होंने अपने बच्चों का फेवर लिया और ऑनलाइन उनकी स्टडी कराई और ऑनलाइन ही उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया दूसरी तरफ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो डीन मैडम है प्रिंसिपल मैडम है उनकी जो ज़िद है वो टस से मस नहीं हो रही है और बच्चे अपने हक के लिए अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए दर बदर हो रहे हैं कभी उनसे बात कर रहे हैं कभी नोडल प्रिंसिपल से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जाके बात कर रहे हैं पर कोई भी कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है अंततः थक हार कर आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सर मैम के ऑफिस के बाहर हमें आज धरना देना पड़ रहा है और यहाँ पर ज़्यादा बेटियाँ हैं कुछ बेटियाँ लद्दाख से कश्मीर से पुंछ से आई हैं क्योंकि वह रोज़ नहीं आ सकती और पूरा साल उन्होंने घर पर बैठ के ऑनलाइन स्टडी किया जो ऑनलाइन एक ड्रामा था जो उन्होंने किया है आज BAMS की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन बच्चों को कहती है आओ और फिजिकली अपना एग्जाम दो जब बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की है तो एग्जाम फिजिकली कैसे लिया जा सकता है एक ही मिनिस्ट्री एक ही यूनियन टेरिटरी तो फिर कानून दो क्यों क्या BUMS के बच्चे जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे क्या वो कुछ ज्यादा सगे थे उस एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो इन बच्चों के साथ कोई दुश्मनी है तो सीधी सी बात है जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एक है तो कानून नहीं दो चलेंगे जब आयुष मिनिस्ट्री के अंदर एक ही जो आयुर्वेदिक और यूनानी दो कोर्स चलते हैं जिनकी सारी किताबें एक है जब उनके ऑनलाइन हो गए तो हमारे बच्चों के ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहे सिर्फ इसीलिए ऑनलाइन नहीं हो रहे क्योंकि कुछ अफसरानों ने प्राइवेट कॉलेज की दलाली करनी है उनसे पैसे खाने हैं इसीलिए ये टालम टोल आजकल कर रहे हैं सिंपल सी रिक्वेस्ट है मीडिया के माध्यम से कि जब तक बच्चों की ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जायज़ डिमांड को माना नहीं जाएगा ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा